बच्चों, आज हम आपको 11वीं स्टैंडर्ड में गणित के चैप्टर क्रमचय और संचय के बारे में आपको कुछ बताएंगे। सबसे पहले क्रमचय क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है, कैसे उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम समझेंगे। सबसे पहले क्रमचय की जो परिभाषा है, क्रमचय एक निश्चित क्रम में बना विन्यास है जिसे दी हुई वस्तुओं में से कुछ या सभी को लेकर बनाया जा सकता है। सबसे पहले जैसे हम एग्जांपल के तौर पे एबीसी को कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं, देखो सबसे पहले एबीसी को एबीसी ही रहने दिया, फिर बीसीए, फिर सीएबी, फिर सीबीए, फिर एसीबी और फाइनली हम बीएसी के रूप में अरेंज कर सकते हैं। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि क्रम गुणित क्या संकेत क्या होता है। क्रम गुणित यानी क्रम से गुणा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फैक्टोरियल। क्या कहते हैं? फैक्टोरियल। और उसका जो नोटेशंस होता है उसको भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले क्रम गुणित की परिभाषा क्या होती है, पहली n नेचुरल नंबर्स यानी n प्राकृतिक संख्याओं का गुणन है, इसे हम फैक्टोरियल n अथवा इस सिंबल से प्रदर्शित करते हैं। दो तरह के आपके प्रतीक हैं फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करते करने के लिए, एक तो हम L के रूप में लिखते हैं और दूसरा जो है हम इसे N और एक नोटेशन एक लाइन खींच कर उस पर बिंदी लगा देते हैं। इस तरह से दो तरह से हम फैक्टोरियल को, क्रम गुणित को हम प्रदर्शित करते हैं। जैसे आपकी परिभाषा क्या हो गई कि यह N प्राकृतिक संख्याओं का गुणन है, इसका मतलब अगर फैक्टोरियल 3 हुआ तो 3 से लेकर के 1 तक का गुणन, इसे फैक्टोरियल 3 कहते हैं। यानी 3 × 2 × 1 जीरो नहीं होगा, जीरो का गुणा करेंगे तो ऑलरेडी जीरो हो जाएगा, या वो प्राकृतिक संख्या भी है आपकी नहीं हो जाएगी। जैसे हम फैक्टोरियल -6 ले, अब सबसे पहले आपको ये बताना है कि -6 जो है क्या प्राकृतिक संख्या है, तो आप कहेंगे सर -6 प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए -6 का फैक्टोरियल जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा, अस्तित्व में नहीं होगा, हाँ फैक्टोरियल इसका नहीं ज्ञात किया जा सकता। और कोई भी अगर डेसिमल नंबर्स हो, डेसिमल हो या जिसे दशमलव का दशमलव वाला वैल्यू हो, 2.5 है तो 2.5 का क्या फैक्टोरियल निकाल सकते हैं, तो आप कहोगे सर 2.5 आपका जो है प्राकृतिक संख्या तो है नहीं, तो आपने बिल्कुल सही कहा 2.5 प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए हम फैक्टोरियल 2.5 की गणना नहीं कर सकते। एक चीज और बता दूं कि फैक्टोरियल जीरो का जो मान होता है वह 1 होता है, और जो फैक्टोरियल n है, फैक्टोरियल n इज इक्वल टू लिखेंगे n, लिखेंगे n माइनस 1 फैक्टोरियल में लगा देंगे, यानी जितने का फैक्टोरियल निकालना हो, जैसे फैक्टोरियल 6 है तो 6 बाहर करके उससे 1 कम का फैक्टोरियल लगा दो तो फैक्टोरियल 5 हो जाएगा, फैक्टोरियल 7 है तो 7 निकाल के फैक्टोरियल 6 लगा दो, उसी तरह फैक्टोरियल n है तो n को निकाल करके उसके 1 कम करके फैक्टोरियल लगा दो, यानी n इंटू एन माइनस 1। अब n माइनस 1 को भी आप निकाल सकते हैं, n माइनस 1 भी निकल गया तो फैक्टोरियल में क्या बचेगा, n माइनस 2। समझ में आई बात ना? इसी तरह फैक्टोरियल 5 का जो वैल्यू होगा आप मालूम है, 5 और उससे नीचे के सभी वैल्यू 1 तक का गुणनफल, यानी फैक्टोरियल 5 इज इक्वल टू 5 4 3 2 1, फैक्टोरियल 4 मतलब 4 3 2 1, फैक्टोरियल 3 मतलब 3 2 1, फैक्टोरियल n मतलब n, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4, लास्ट में 3 2 1। NPR मतलब क्या हो गया, n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तु ले करके कितने प्रकार से हम इसका चयन कर सकते हैं, वो आपका क्या होगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, ये वैल्यू आपको होना चाहिए। इसी प्रकार से बच्चों जो संचय की परिभाषा होती है, संचय मतलब क्या हो गया, कॉम्बिनेशन। उसकी जो डिफिनेशन है कि संचय का अर्थ है चुनाव, अर्थात दी हुई वस्तुओं में एक साथ कुछ या सभी वस्तुओं को लेकर उनके क्रम का ध्यान रखे बिना जो समूह बनाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम संचय कहते हैं या इंग्लिश में कॉम्बिनेशन कहते हैं। अर्थात n असमान वस्तुओं में से r वस्तुएं एक साथ लेकर बने संचयों की संख्या, जिसे NCR कहते हैं। NCR इज इक्वल टू होता है फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r इनटू फैक्टोरियल n माइनस r। अब इसी पर बेस्ड आपका जो है ये प्रश्नावली 7.1 है,
7.1 में सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, करें 1, 2, 3, 4, 5 से कितनी तीन अंकी संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि, पहला कंडीशन इन्होंने क्या दिया, अंकों की पुनरावृत्ति यानी रिपीटिशन की अनुमति हो, यानी आप जो है अंक को रिपीट कर सकते हैं। और दूसरा इसी में से क्वेश्चन पूछा गया है, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति न हो। तो चलिए सबसे पहले सॉल्व किया जाए, पहला कंडीशन अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो, तो सबसे पहले यहाँ पे यहाँ तीन रिक्त स्थान हैं, क्योंकि तीन अंक बनाना है, तीन, एक तो होगा सैकड़ा होगा, फिर दहाई होगा, फिर इकाई होगा, के लिए लेते हैं। सबसे पहले इकाई का स्थान जितने तरीके से भरा जाएगा वो कितना होगा आपका, ये आपका 5 हो जाएगा, 5 तरीके से हम भर सकते हैं, और दहाई को भी हम 5 तरीके से भर सकते हैं, सैकड़े को भी 5 तरह से भर सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ, अभीष्ट तीन अंकों की कुल संख्याएं जो होंगी वो क्या होगा, 5 × 5 × 5, अर्थात कितना होगा, 5 × 25 = 125। अब दूसरी चीज इसी में कंडीशन थोड़ा सा ट्विस्ट किए हैं कि अगर अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति न हो तो यहाँ पर भी तीन रिक्त स्थान बनेंगे, सैकड़े का, दहाई का और इकाई के लिए। सबसे पहले इकाई का स्थान जितने से भरा जाएगा वो तो आप क्या करेंगे, वो तो आपको 5 तरीके से हो जाएगा, और चूंकि उसको फिक्स कर दिए तो दहाई क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, 5 में से एक कम 4 हो जाएगा। अगर दहाई को भी फिक्स कर दिए तो इकाई जो है क्या हो जाएगा, सैकड़ा क्या हो जाएगा आपका, 3 तरीके से होगा। समझ में आया, सबसे पहले हम इकाई को भरेंगे, इकाई को भरेंगे तो हमारे पास 5 तरीके हैं, दहाई को भरेंगे तो एक तरीका कम हो जाएगा, एक सेट हो गया है इसलिए 4 ही बचेगा, और सैकड़े की बात करेंगे तो उससे भी एक कम हो जाएगा 3 तरीके से। अर्थात गुणन के नियम के अनुसार अभीष्ट तीन अंकों की जो संख्याएं बनेंगी, 5 × 4 × 3, 5 × 20 = 60, यानी कितने तरीके हो जाएंगे, 60। इसी प्रकार से बच्चों दूसरा जो है, दूसरा है कि अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6 से कितनी तीन अंक की सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती हो। समझ में आ गई बात आपको, आपको अंक दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6 से कितनी तीन अंकी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती हो। सबसे पहले यहाँ पर तीन रिक्त स्थान बनेंगे आपके, एक सबसे पहले इकाई का, दहाई का, सैकड़े का के लिए लेते हैं। इसके बाद जो है सबसे पहले इकाई का स्थान जितने तरीके से भरा जाएगा वो कितना है, 3, दहाई का 6 और सैकड़े का कितना होगा, 6। तो गुणन नियम के अनुसार अभीष्ट तीन अंकों की जो संख्याएं हैं वो कितना हो जाएगा, 3 × 6 × 6, अर्थात 108। इसी प्रकार से बच्चों तीसरा क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अंकों से कितने 4 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती। तो अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षर कौन से होंगे, एक तो ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे। यहां पर 4 रिक्त स्थान हैं, 4 रिक्त स्थान के कोड के लिए हम लेते हैं। पहला रिक्त स्थान भरा जाएगा तो 10 तरीके से हम भरेंगे, दूसरा जब भरेंगे तो उससे एक कम हो जाएगा, 9 तरीके से होगा, तीसरा एक और कम होगा, 8 तरीके से, और चौथा जो है 7 तरीके से भरा जा सकता है। इसलिए गुणन नियम के अनुसार अभीष्ट कोड कितने बनेंगे, 10 × 9 × 8 × 7, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो आएगा 5040। इसी प्रकार से बच्चों चौथा क्वेश्चन जो है, करें कि 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 5 अंकी टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक नंबर 67 से प्रारंभ होता है और कोई अंक एक बार से अधिक नहीं आता। तो सबसे पहले बच्चों करें 0 से 9 तक कुल कितने अंक होंगे, तो 0 को लेकर के आप देखेंगे तो 10 अंक होगा। यदि अंक 6 तथा 7 पहले 2 स्थानों पर लिखें तो शेष कितने आपके अंक बचेंगे, तो 8 ही बचेंगे। तो इकाई का स्थान भरा जाएगा 8 तरीके से, दहाई का स्थान भरा जाएगा उससे कम अर्थात 7 तरीके से, सैकड़े का स्थान भरा जाएगा 6 तरीके से। अर्थात गुणन के नियमानुसार कुल 5 अंकों के अभीष्ट टेलीफोन नंबर जो होंगे 8 × 7 × 6
अर्थात 336। इसी प्रकार से बच्चों पांचवा क्वेश्चन जो है, पांचवें क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है और संभव परिणाम अंकित कर लिया जाता है, तो परिणामों की कुल संभव संख्या क्या होगी। क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लो बच्चों, कह रहे हैं कि एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है और परिणाम अंकित कर लिए जाते हैं, परिणामों की संभव संख्या क्या होगी। सबसे पहले बच्चों आप ये जानते हो, आप क्रिकेट मैच देखते हो, जब आप पहली बार सिक्का उछाला जाता है तो उसके आने की जो है कुल संभावित परिणाम कितनी होगी, 2 होंगी। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। हेड को हम चित कहते हैं और टेल को पट कहते हैं। तो अगर दूसरी बार उछाला जाए तो भी परिणाम तो वही रहेंगे, 2 ही आएंगे। तीसरी बार सिक्का उछालने पर भी परिणाम वही 2 मिलेगा। तो अर्थात गुणन के नियमानुसार परिणामों की संख्या, जो संभव संख्या होगी, वो होगा 2 × 2 × 2 अर्थात 8। छठा क्वेश्चन है बच्चों, करें भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे दिए हुए हैं, इसमें कितने विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं। यदि प्रत्येक संकेत में 2 झंडों एक के नीचे दूसरे के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है। फिर से एक बार क्वेश्चन सुनिए, करें विभिन्न भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे दिए हुए हैं, इसमें कितने विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं। यदि प्रत्येक संकेत में 2 झंडों एक के नीचे दूसरे के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है। समझ में आ गए बच्चों। तो इसका मतलब ये हुआ, आप क्वेश्चन देखने के बाद ये कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन को हम रिप्रेजेंट करते हैं और जिस तरह से इन्होंने कहा क्या कि भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे दिए हुए हैं, इनमें कितने विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं। यदि प्रत्येक संकेत में 2 झंडों एक के नीचे दूसरे के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है, तो इसको सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि माना 2 रिक्त स्थान हमने सेट कर लिया, 5 झंडों के लिए है। ऊपर का रिक्त स्थान भरा जाएगा 5 तरीकों से और नीचे का रिक्त स्थान भरा जाएगा उससे कम अर्थात 4 तरीके से। इसलिए गुणन के नियम से अभीष्ट विधि कितनी होगी, 5 × 4 अर्थात 20 तरीकों से जो है हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब बच्चों बात आती है यहाँ पे एक्सरसाइज प्रश्नावली 7.2। 7.2 का जो पहला क्वेश्चन है, तो इसमें आपको फैक्टोरियल, वही हमने अभी आपको बताया कि मान निकालना है। किसका मान निकालना है, फैक्टोरियल 8। हमने 2 चिन्ह फैक्टोरियल का बताया था, एक एल के तरीके एक इस तरह से। सबसे पहले फैक्टोरियल 8 यानी इसका क्या होगा, क्रम गुणित 8। 8 से लेकर के उसके नीचे के यानी 1 तक का गुणनफल। तो फैक्टोरियल 8 क्या हो जाएगा, 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 अर्थात सबका जब गुणा करेंगे आप तो आएगा 40 × 320। फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3 का मान क्या होगा। अब फैक्टोरियल 4 निकाल लें, बाय द डिफिनीशन ऑफ फैक्टोरियल क्रम गुणित की परिभाषा के अनुसार फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3 क्या हो जाएगा। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू रख दो, 4 × 3 × 2 × 1 माइनस फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होगा, 3 × 2 × 1। तो 4 × 3 = 12 × 2 = 24 माइनस 3 × 2 = 6, 24 में 6 गए यानी 18 आ गया। अब क्वेश्चन आपसे दूसरा कह रहे हैं कि क्या फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 इक्वल टू फैक्टोरियल 7 होगा। इनका कहने का मतलब कि फैक्टोरियल 3 में फैक्टोरियल 4 को जोड़ दें तो क्या फैक्टोरियल 7 होगा, ये आपसे प्रश्न पूछे हैं। तो ये तभी संभव है जब हम लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे और राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे। अगर दोनों वैल्यूज सेम हो गई तो हम यह कह सकेंगे कि फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 इक्वल टू फैक्टोरियल 7। लेकिन अगर यदि ऐसा नहीं हुआ तो ये पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4, तो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 3 × 2 × 1 प्लस फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 × 3 × 2 × 1, तो 3 × 2 = 6 प्लस यहाँ 4 × 3 = 12 × 2 = 24, 24 × 6 कितना हो गया, 30। यानी लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया, ये 30 आ गया। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। फैक्टोरियल 7 है, फैक्टोरियल 7 मतलब 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 एंड दैट विल कम आउट 5040। एंड आफ्टर सीइंग दिस टू रिलेशन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड,
वी फाइनली इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 इज नॉट इक्वल टू द फैक्टोरियल 7, अर्थात फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 जो होगा फैक्टोरियल 7 के बराबर नहीं है। इसी प्रकार से बच्चों आपका जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2 का परिकलन कीजिए। परिकलन मतलब कैलकुलेट कीजिए, एस्टिमेट कीजिए। तो चलिए करते हैं फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2। अच्छा, हमने आपको बताया था कि फैक्टोरियल 8 का मतलब क्या हुआ, 8 को बाहर निकाल दो, उससे एक कम फैक्टोरियल में रख दो। तो हम फैक्टोरियल 8 को लिख सकते हैं 8 इंटू फैक्टोरियल 7। अब 7 को भी चाहो तो आप निकाल सकते हो, उससे एक कम अंदर रख दो। तो 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 हमने रख दिया यहाँ पे, 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू 2 इंटू 1। ऐसा क्यों किया, क्योंकि डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल 6 दिख रहा था, इसलिए मैं ऐसे ऊपर नीचे आने पर यह कट जाएगा। और ऊपर कितना बचा, 8 इंटू 7, नीचे कितना होगा 2, 2 से 8 कैंसिल होगा, 4 आएगा, 4 इंटू 7 दैट विल बी 28, ये वैल्यू आ जानी चाहिए। अब इसी तर्ज पर बच्चों आपका जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, इन्होंने कहा कि यदि 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 7 इज इक्वल टू x अपॉन फैक्टोरियल 8, तो x का मान आपको ज्ञात करना है। तो चलिए इसको 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 7 इज इक्वल टू x अपॉन फैक्टोरियल 8। तो यहाँ पे हम सबसे पहले फैक्टोरियल 8 का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, फैक्टोरियल 8 का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसमें करेंगे तो फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 6 हो जाएगा, इसमें करेंगे फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 7 आ जाएगा, यहाँ पे x बचा। अब देखो फैक्टोरियल 8 है और नीचे फैक्टोरियल 6 है, 8 को बाहर निकालो तो 8 इंटू फैक्टोरियल 7, 7 को भी बाहर निकाल दो, 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 लिख दिया हमने, और नीचे फैक्टोरियल 6 है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। प्लस यहाँ पे भी आप चलो 8 को बाहर निकाल दो, फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 ये भी कैंसिल हो गया, तो नीचे क्या बचेगा, 8 इंटू 7 दैट इज 56, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 8, तो यहाँ से आ जाएगा 56 प्लस 8 दैट विल बी 64, अर्थात x की जो वैल्यू आएगी x का मान कितना होगा 64। आगे पांचवें क्वेश्चन में इन्होंने कहा कि फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r का मान निकालिए जबकि n की वैल्यू दी गई है 6 और r की वैल्यू 2, पहले कंडीशन में दिया है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसमें हम फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r हम लेते हैं, n बराबर 6 r बराबर 2, तो रख देते हैं वैल्यू, तो हो जाएगा फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 2, तो फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। फैक्टोरियल 6 मतलब 6 को बाहर निकालो, फैक्टोरियल 5 बचेगा उसको भी निकालो, फैक्टोरियल 4 बचेगा, यानी 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 ऐसे लिख सकते हैं, और नीचे आपका कितना हो जाएगा 4 गुणे 3 गुणे 2 ऐसे भी लिख सकते हैं हम यहाँ से, ये पूरी वैल्यू आपको यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं 6 इंटू, यहाँ से अगर हम काट दें इसको तो हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 ये हो गया, और नीचे आपको इसको हटा के फैक्टोरियल क्या कर दें, फैक्टोरियल 4 ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बचेगा 6 पचे 30 यानी कितना हो जाएगा 30 आ जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा, जब n की वैल्यू 9 लें और r की वैल्यू क्या लें 5 लें, तो यहाँ से फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r यानी फैक्टोरियल 9 बटे फैक्टोरियल 9 माइनस 5 यानी कितना हो गया फैक्टोरियल 4, तो 9 को बाहर निकालो, 9 8 7 6 5 और फैक्टोरियल 4 ये कैंसिल हो जाएगा, 9 बटे 72, 72 में 7 का गुणा कर लीजिए, फिर 6 का गुणा कर लो और कैंसिल का बटन दबा दोगे तो आएगा आंसर कितना 15120। इस तरह से बच्चों आज हम एक्सरसाइज 7.2 तक करेंगे, फिर अगले एपिसोड में हम आपको प्रश्नावली 7.3 के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक उम्मीद करते हैं कि आप अपने अक्टूबर मास की जो टेस्ट होने वाला है उसकी तैयारी में पूरी तरह से लग गए होंगे और पूरी अच्छी तरह से तैयारी करते होंगे। फिर हम आपको एक नए वीडियो के साथ दूसरे एपिसोड में मिलते हैं। टिल देन, गुड बाय।